अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तंत्र में हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक सम्मान संवैधानिक सम्माननीय व्यक्ति होते हैं और ऐसे सम्माननीय व्यक्ति उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी को जिस प्रकार से मिमिरी कर टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर उनका पुतला जलाने का निर्णय लिया है कि हम आज पुतला जलाकर उस विपक्षी दलों के सांसद कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी जी को निर्देशित करना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, जिसके कारण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना एक दोष देशद्रोही की श्रेणी में आता है और ऐसे देशद्रोही लोगों को तत्काल सांसद की सदस्यता समाप्त करके उनको बर्खास्त करना क्या, चाहिए। क्या क्या लगता है, कांग्रेस भी जो है अब सवाल उठा रही है 150 जो सांसदों को सस्पेंड किया उसको लेकर के बेवजह जो है उनको किया गया। निश्चित रूप से कांग्रेस का काम है देश में अराजकता फैलाना, कांग्रेस का काम है इस देश में तुष्टीकरण की नीति को अपनाना, कांग्रेस का काम है इस देश में जातिवाद के आधार पर लोगों को बंटवारे करते हुए इस देश को विभाजन की कगार पर ले जाना, और चाइना का कांग्रेस का आधार है कि चाइना और पाकिस्तान के इशारों पर देश में विभाजनकारी शक्तियों को अपना समर्थन करना। ऐसी कांग्रेस को हमने मध्य प्रदेश से उगाड़ के फेंका है, पर देश से भी 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में उनको उगाड़ कर फेंकेंगे और सांसद की मर्यादा को जो भी इस प्रकार से धूमिल करेगा उनको बर्खास्त करना, ये संवैधानिक महत्व की बात है। ठीक है।